जय हिंद गाइस, हैप्पी इंडिपेंडेंट डे। अच्छे से हैं आप लोग सब? और सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं 8 बजे उठाऊँ, थोड़ा ज़्यादा ही सोया था कल, क्योंकि यहाँ का वेदर मस्त पूरा लग रहा, ठंडा में आ चुके हैं। मेरे पीछे देख पा रहे हैं आप लोग, कोहरा छाया हुआ है। और अभी व्यू दिखाता हूँ आप लोग, सीधा व्यू देखिए, ये पूरा कोहरा। और बारिश तो हो जा रहा है, ऐसे कोहरे में मेरा कार वहाँ रखा हुआ है, वहाँ पे पार्क किया हुआ था। एंड हम लोग थे उस जगह पे, वहाँ पे आप लोग को एक कार दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं लेंस से, उसके बगल में एक छोटा सा एक होम स्टे जैसा है, वहाँ पे थे हम लोग। बाई चांस हम लोग को रूम मिल गया, नहीं तो पूरा रूम बुक था, क्योंकि यहाँ पे 14-15 हर किसी का वीकेंड था। एंड 15 अगस्त के लिए छुट्टी था, तो सारे आए हुए घूमने के लिए, बाइकर्स आए हुए हैं, कार में बहुत जन आए हुए हैं। तो व्यू देखिए, व्यू का नज़ारा लग रहा है पूरा, हम लोग दार्जिलिंग सिक्किम आ चुके हैं। एंड वाह, और ये है मेन रोड, एंड यहाँ से गाड़ी भी आ रहा है पूरा फॉक। तो चलते हैं थोड़ा आगे, आप लोग को दिखाते हैं व्यू, और फिर हम लोग जाएंगे कुछ अलग अलग व्यू पॉइंट में, और आप लोग को वहाँ पे भी दर्शन दिखाएंगे। बारिश आ रहा है, मैं हम लोग ने कोई अम्ब्रेला नहीं लाया था, एक ही अम्ब्रेला एक बंदे ने लाया था, बोलते हम लोग थोड़ा घूम पा रहे हैं। अभी पूरा ठंडा लग रहा है, ठंडे वाला कपड़ा नहीं लाया, पता नहीं था ऐसा होगा यहाँ पे। हो गए हम लोग, और अभी आए हुए हम लोग एक्सप्लोर करने नेतरहाट स्कूल। तो आइए चलिए दिखाते हैं नेतरहाट स्कूल। सो ये है नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट। तो अभी चलते हैं इसके अंदर और आप लोग को पूरा व्यू दिखाते हैं, दर्शन दिखाते हैं। और साइड में एक SBI का ATM है, यहाँ पे रास्ता बहुत चौड़ा है, बहुत ही अच्छा लगा। और चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं अंदर का व्यू कैसा है। वेदर अच्छा होता तो ड्रोन शॉट में भी मस्त होता, देखते हैं कैसा वेदर रहता, थोड़ा देर वेट कर लेते हैं। और ये प्रवेश द्वार स्कूल का, अभी तो स्कूल बंद है। श्री कृष्ण सिंह प्रथम मुख्यमंत्री बिहार के, और आचार्य वृद्धिनाथ वर्मा प्रथम शिक्षा मंत्री बिहार के थे। बारिश, आई हेट बारिश। सो पूरा बारिश में एक छतरी के अंदर में हम लोग बारिश लाइक्स डाउन हो गए। बाइक में आने वाले थे हम लोग, बाइक का बाई चांस बाइक का प्रोग्राम कैंसिल हुआ। ये है सिस्टम, और प्री वेडिंग वाला जैसा छतरी भी मिला हम लोग को। ये भाई साहब लेके आए हम लोग के, रंगीन भाई साहब। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। सुबह सुबह एक झंडा मिला, फ्लैग हम लोग को खाने के लिए मिला, बिस्किट। ये 15 अगस्त में खाते हैं, ये बचपन में हम लोग खाते थे मैंगो बाइट। ठंडा मौसम लग रहा, पूरा दार्जिलिंग आ चुका है। कैसा लग रहा है आप लोगों को व्यू, जरूर बताइए। ड्रोन शॉट ले नहीं पा रहा, बारिश हो रहा है, ड्रोन को बचाना भी है, और ड्रोन शॉट में आएगा भी नहीं वैसे। तो विद माय GoPro कैसा लग रहा है शॉट जरूर बोलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन, मज़ेदार शॉट्स दिखाएंगे। Look left, look right, and I come with a hook right. Woo. Hook right, this what the angles look like. Way up, stood high, taking the view when it look right. And oh, it's the good life, whipping the sauce when I cook like. Woo. Look left, look right, yeah, come with a hook right. मस्त व्यू, मस्त नज़ारा, ऊपर से बारिश हो रहा है, ड्रेस चेंज होते जा रहा है, भीगते जा रहे हैं। अपना कार आ चुका पहाड़ के रास्ते में। तो ये है पूरा व्यू, दार्जिलिंग जैसा व्यू, और पूरा पेड़ पूरा फॉग। और देखिए यहाँ पे हम लोग फोटो सेशन नहीं कर पा रहे, कैमरा लाया हुआ है, तो एखाने एक फोटो चाहिए हमारे।
ड्राइवर चेंज, न्यू ड्राइवर लर्नर लाइसेंस के साथ पहाड़ की रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं और हम भी दे दिए इनको गाड़ी। आ गए हम लोग अभी और जस्ट 5 किलोमीटर है पहुंचने के लिए हम लोग का लोध वाटरफॉल पहुंचने वाले हम लोग, और उसके बीच में एक शानदार व्यू पॉइंट मिला है जहाँ पे थोड़ा बारिश रुका हुआ है, तो हम सोचते हैं थोड़ा ड्रोन शॉट लेते हैं अपना, और ड्रोन शॉट में आप लोग को पूरा ये व्यू दिखाते हैं और थोड़ा टाइम लैप्स भी देखिए। अभी हम लोग एंटर करने वाले हैं लोध वाटरफॉल, उससे पहले यहाँ पे थोड़ा एंट्री करना होता है, तो अभी हम लोग एंट्री करेंगे वहाँ पे। अपना नाम क्या क्या एंट्री करना है मैं दिखाता हूँ आप लोग से, पहले नाम एड्रेस कौन सा गाड़ी लेके आ रहा, गाड़ी नंबर WB40 AE 0610। मोबाइल नंबर टाइम क्या चीज़, फोर व्हीलर का 50 रुपया और पर पर्सन का 10 रुपया। ओके ठीक था। सो यहाँ पे फोर व्हीलर एंट्री का लेता है 50 रुपीज़ और पर पर्सन 10 रुपये करके। तो अभी हम लोग टिकट काटेंगे और अंदर ले चलते हैं और आप लोग को वहाँ पे जाके ड्रोन शॉट दिखाते हैं और व्यू भी दिखाते हैं। हम लोग ने टिकट ले लिया, तो ये वाहन का मतलब अपना कार का 50 रुपीज़ और पर पर्सन 10 रुपीज़ करके टिकट लेते हैं और चलते हैं अंदर और दिखाते हैं फॉल। लोध फॉल और ये वाला पूरा एरिया था, यहाँ पे पार्किंग हम लोग करके, पार्किंग करने के बाद अपना इंडिया का फ्लैग मस्त लग रहा है। सो चलते हैं यहाँ पे, फिर बारिश स्टार्ट हो गई, देखते हैं ड्रोन शॉट मिलता है कि नहीं। लोध फॉल और ये है एंट्रेंस, एंट्रेंस के अंदर जाएंगे हम लोग। बज रहे हैं अभी टाइम 2:18, चलते हैं और फॉल्स आप लोग को दिखाते हैं। कहाँ जाना होगा, बारिश हो रहा है, बारिश हम लोग का पीछा नहीं छोड़ रही है। तो हाँ गए हम और कंटिन्यू बारिश, जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, जहाँ जहाँ स्पॉट है वहाँ वहाँ बारिश आ रही है, जहाँ जहाँ नहीं है, जहाँ जहाँ मौका मिल रहा है मैं आप लोग के लिए ड्रोन शॉट दिखा रहा हूँ। तो अभी चलते हैं पूरा एक्सप्लोर करवाते हैं आप लोग को कैसा है ये वाटरफॉल, आइए एक्सप्लोर कीजिए मेरे साथ। तो लगभग 1 किलोमीटर जैसा है, तब जा रहे हैं ऊपर, ऊपर से दिखाते हैं व्यू और बारिश भी हो रहा है, मुझे मेन व्यू आप लोग का स्किप भी हो सकता है ड्रोन शॉट। आ गए हम यूं ही साथ चलते चलते, हो बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा हम लोग को, क्यों हम लोग हो गए आलसी आदमी, थोड़ा सा आधा किलोमीटर हम लोग को चलने में फट रहा है। और ये दो भाई साहब जाएंगे केदारनाथ, जाते वक्त पैदल लेके जा रहे हैं, आते वक्त हम बोलेंगे इन लोग को दौड़ने के लिए और इन लोग में कंपटीशन रखेंगे कौन कितना जल्दी पहुंच सकता है गाड़ी के पास। इतना बड़ा आप लोग अम्ब्रेला लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे बड़ा अम्ब्रेला हो गया। वहाँ से पूरा व्यू पॉइंट है, वहाँ से सब लोग व्यू देख रहे हैं और बहुत ही मस्त लग रहा है व्यू। अगर हो सके तो ड्रोन तो उड़ाने का मौका नहीं, बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, हिंदू बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है, सब लोग यहाँ पे सेट पे खड़े हुए हैं। एंड चलते हैं थोड़ा नीचे की ओर और वहाँ पे जाके थोड़ा आप लोगों को व्यू दिखाते हैं। सो चेक साउंड, साउंड चेक करने के लिए मैं थोड़ा माइक्रोफोन बाहर की ओर ले गया, क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है आप लोग को थोड़ा धीरे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे वाटरफॉल का जो साउंड आ रहा है बहुत ही मस्त आ रहा है एंड वाटरफॉल शानदार है। तो मेरे पीछे जो वाटरफॉल है आप लोग को मैं थोड़ा देर में दिखाता हूँ, तो आप लोग देखिए ये पीछे का पूरा वाटरफॉल का नज़ारा और कैसा लग रहा है आप बताइए। यहाँ से वाटरफॉल जाते हुए और इधर से पूरा पानी बह रहा है उधर, और यहाँ पे ड्रोन शॉट तो मस्त आता बट बारिश की वजह से हम लोग ड्रोन शॉट ले नहीं पा रहे। सो मैं कोशिश करता हूँ अगर बारिश थोड़ा सा रुका तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसा आता है इसका व्यू ड्रोन में, नहीं तो नेक्स्ट ट्रिप अगर करते हैं कभी तब आप लोग को मैं दिखाता हूँ पूरा व्यू अच्छे से कैसा लगेगा इसका ड्रोन शॉट। वाटरफॉल
वाटरफॉल का ड्रम शॉट एंड वाटरफॉल तो मस्त आ रहा है। और हम लोग अभी वहाँ से चढ़ के पूरा आए थे एंड वाटरफॉल तो मस्त लग रहा है। बारिश भी बड़ी जोर से हो रहा है और पूरा टूरिस्ट लोग का यहाँ पे भीड़ लगा हुआ। तो यहाँ पे रुक के चलते हैं आगे की ओर और देखिए बारिश आप लोग को अभी दिखाई दे रहा होगा, बारिश कितना जोर से हो रहा है। नहीं नहीं करते करते ड्रोन शॉट ले लिया थोड़ा सा, बारिश तो पूरा ही हो रहा है, मौका नहीं मिला तो थोड़ा सा ड्रोन शॉट ले लिया। और नेक्स्ट टाइम जब आएंगे फिर से अच्छे से आप लोग को ड्रोन शॉट दिखाएंगे एंड ट्रिप अच्छा ही है। अब हम लोग रवाना देंगे रांची के लिए और वहां जाके आप लोग को दिखाते हैं रांची का लोकेशन सारा। तो अभी नीचे की ओर हम लोग उतर रहे हैं और अपने कार के पास जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग खाना वाना खाएँगे एंड देन हम लोग निकल जाएंगे।